राइटर ने जी हरभजन सिंह सोढ़ी उन्हां दी किताब है, उहदा नां है नाम सिमरन दी महिमा। पीले रंग का टाइटल है किताब का। आम किताबा इन्नियां होंदियां, वह किताब एड्डी है तो एड्डी चौड़ी है, लंबी भी ज़्यादा है चौड़ी भी ज़्यादा। और कुछ समा पहले श्रोमणी कमेटी दियां भी शीशां पिया, उस किताब च उन्होंने एक वार्ता लिखी है जी, शायद तुहाडी होर श्रद्धा बजे। मध्य प्रदेश का एक जिला है जी रीवा, मध्य प्रदेश हजूर साहब कोल उहदा जिला रीवा, ये रीवा जिहड़ा वी हजूर साहब कोल। और भजन सिंह सोढ़ी लिखते भी मैं मध्य प्रदेश का जिला रीवा एक बस च सफर कर रहा सी, कहिंदे उस सफर ते मैं सीट ते बैठे हां, बड़ा हैरान होया जिहड़ा ड्राइवर बस चला रहा ना सिख नहीं है, पर उन्हें अपने जिथे उहदा हैंडल है ना उस तो बाद शीशा है, उस तो बाद उत्ते जिहड़ी जगह है ना बड़ी सोहनी फट्टी ला के विछाई करके, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ना घोड़े वाला स्वरूप उहदा आसन लाया। आखो साधना, गुरु गोबिंद सिंह का घोड़े वाले स्वरूप का आसन लाया। वो कहिंदे बस रुकी, मैं उतर बस चो ना उहदे कोल चला गया, 5 मिनट का स्टॉपेज सी। कहते वो ड्राइवर मैं पूछा भी तुसी सिख नहीं है, तो आसन लाया कलगीधर दे स्वरूप का घोड़े वाला जिस महाराज घोड़े बैठे है। वो अगों ड्राइवर पता की कहता बस का, कहते जी मैं मुसलमान हाँ। कहते तुसी आए मुसलमान वीर हो, आसन लाया गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े के स्वरूप। वो अगों हस पिया, तो कहिंदा सरदार जी दूजी गल दसा, कंडक्टर भी मुसलमान वीर है। आखो सत, कहिंदा जी वह भी मुसलमान वीर, तुसीं भी आसन गुरु गोबिंद सिंह का लाया घोड़े सरूप। वो ड्राइवर सीट पर बैठा कहिंदा सरदार जी तीजी गल दसा, कहिंदे की, कहिंदे बस का मालक भी मुसलमान है हाजी। आखो सत, वो कहिंदे मैं हैरान जा होई जावां, ड्राइवर भी कंडक्टर भी मालक भी सारे ही मुसलमान वीर, आसन गुरु गोबिंद सिंह लाया घोड़े। कहिंदे मैं पुछदा पिया जी ये फिर उगों बस चलाण वाला अजे स्टॉपेज हैगा सी, कहिंदा सरदार जी चौथी गल दसा, कहिंदे वो की, कहिंदे जिहदी इह बस है ना हाजी है मुसलमान वीर, कहते रीवा विच उहदी 100 बस चलती है, 100 बस उहदी, एक बस नहीं 100 बस है, ते 100 दी 100 बस विच गुरु गोबिंद सिंह दे घोड़े वाले स्वरूप का आसन है। एक जकारा दिओ प्यार दे नाल, 100 दी 100 बस। वो कहते जिदन उन्हें हुण 101वीं पाई ना, एक होर पाई, बस उन्ने चिर तक नहीं कटदा जब तक उहदे च गुरु गोबिंद सिंह दा आसन ना लवा लिया। कह दिओ गज के साथ, केड़ा केड़ा तेरा आशक किथे किथे बैठा है। वो कहिंदे भी मैनूं हैरानगी जी हो, कहिंदे मैं आख्या भी मैनूं ड्रैस देंगा भाजी दा। हक साथ उहने देता जी, कहिंदे मैं अगले स्टॉपेज ते जिथे उतरना सी उतर गया, ते अगले दिन मैं सवेरे वो मुसलमान वीर हाजी दे घर गया। ये हुण दियां गल्लां ने, ये बीती। कहिंदे मैं बूआ खड़काया ते उन्हें खोलिया, कहिंदे उन्हें पुछया भी दसो कौन, कहिंदे मैं हरभजन सिंह सोढ़ी लिखदे भी उन्हां नूं कहा भी मैं बाद च सफर कर रहा सां, भी इस तरह चलाउण वाला भी मुसलमान वीर, कंडक्टर भी तुसी भी, ते तुहाडी 100 बस, ते पता लगा 100 बस विच ही ये आसन। मैं पता करना आया भी ये कारण भी की।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਹਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਿਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਆਖੋ ਸਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਬੋਲ ਪੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਕਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਈਗੋ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਈਗੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਪਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਵਰ ਕਰੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਲਾ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਉਮਰੀ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੈੱਡ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡੈੱਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਗਈ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾ ਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੀਵਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਪਾ ਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਜਥੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
कि मैं भी रस्ते चो नहीं हटना, मैनू भी लैके जाओ हजूर साहब वाले को, आखो सतनाम। मेरे वर्गा दुखी कोई नहीं जिन्हों सारे ही साथ छड गए हो, मैनू भी लैके जाओ हजूर साहब वाले। कहिंदे उन्हां नूं तरस आ गया, वह जथे नूं उन्हां गड्डा कीता, मैनू विच पाया चक के ते नाल लै गए। तो कहिंदे जदों हजूर साहब आ गया ना, रीवा तो लै गए हजूर साहब। कहिंदे जदों हजूर साहब आ गया, उन्हां मैनू गड्डे तो उतार के ना एक दरखत दे थले पाता, ते पा के ना वह जथे ने इन्ना ही किया कि पुरखा ओही हजूर साहब, आखो सतनाम। बस सामने गुरुद्वारा समझ लो, 100-200 गज नज़र आ रहा दूरों। कहिंदे ओही हजूर साहब, हुण तू जाण ते हजूर साहब वाला जाने, आखो सतनाम। ये हाजी कहिंदा वी मैं दरख्त थले लम्मा पिया, सामने हजूर साहब कर रहा। ते उस दिन वो हाजी सुना रहा है भजन सोडी नूं, कहिंदे उस दिन होले महल्ले दा नगर कीर्तन निकल रहा सी, आखो सतनाम। होले महल्ले नगर कीर्तन, कहिंदे ओ गुरुद्वारा आऊं सड़क तो नगर कीर्तन, इधर दरख्त थले मैं बैठा। कहिंदे जदों नगर कीर्तन निकलिया ना, तो मैं उच्ची उच्ची रो पिया, गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे वर्गे की बांह कौन फड़ेगा, आखो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे वर्गे की बांह कौन फड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हों घरदिया ने महल्ले वालिया ने सब किवें पासे करता हो, मेरे वर्गे ने आसरे नूं कौन संभालेगा। हुण इत्थे मैं एक मिनट लाण लगा जी तुहाडा, हजूर साहब गुरता गद्दी दिवस का भी नगर कीर्तन निकलता है, होले महल्ले का भी, एक दो होर भी। तुहाडे चों जे किसी ने नहीं वेख्या तो जरूर वेख्यो, हजूर साहब जिहड़ा नगर कीर्तन निकलता है ना, तो जिहड़ा महाराज का घोड़ा सी ना नीला, जिहनूं असीं कहिंदे नीले वाला, उस घोड़े की कुल चों अज भी घोड़ा नगर कीर्तन विच पूरी विछाई करके ना खाली तोरदे है। 4-5 बंदे आसे पासे होंदे है, किस भावना नाल तोरदे है कि गुरु गोबिंद सिंह अज भी उहदे उत्ते बैठे होए ने, अज भी। ते कदी तुसी ना दर्शन करियो, मैं एक बारी गया कीते है, ते मैं राइटरां दी किताबां भी ते होर भी पढ़ी है, तुसी जाके अखी वेखियो, ये नीले घोड़े की कुल चो अज भी घोड़ा तुरदे है, और नगर कीर्तन कोई भी निकले जरूर है। तो कभी वेखो उत्थे पूरी विछाई की होएगी, पूरी ए सजाया होएगा, तो तुसी कभी वेखियो वो घोड़ा जड़ा ना जी विछाई करके तोरने, इंज झुक झुक के चलेगा, झुक झुक के तो पसीनो पसीन होया होएगा कि वाकई उत्ते कोई बैठा होया, आखो सतनाम। वाकई भावना चाहिए, भावना की लोड़, वो पत्ते पत्ते च, वो घोड़ा अज भी चुक चुक के तुरद, पसीनो पसीन होया होगा। ये हाजी कहिंदा भी दरखत दे थले ना वो नगर कीर्तन निकल रहा सी, होले महल्ले का सी या गुरता गद्दी दिवस का सी, कोई नहीं। कहिंदे मैं ना उच्ची उच्ची बोली जावा, गुरु गोबिंद सिंह मेरे वर्गे की बांह कौन फड़ेगा, मेरे वर्गे नूं कौन संभालेगा, जिन्हों सब ने छड़ता होवे। ये मौजूदा समय की गल, अज हुण मौजूदे समय, कहिंदे मैं उच्ची उच्ची बिरलाप कर रहा, तो मेरे वेखदिआं वेखदिआं वो घोड़ा बेकाबू हो गया, आखो सतनाम। वो जिहड़ा नगर कीर्तन घोड़ा चलता है ना जी, वो बेकाबू हो गया। कहिंदे बेकाबू होके ना वो घोड़ा सीधा मेरे को आया, कहिंदे हुण मैनूं भी नहीं पता की हो रहा है, सिर्फ मैं बिरलाप कीता, बेनतियां कीतियां। वो संत अत्तर सिंह मस्तुआणे वाली गल, अरदास किसी ने पूछा संत अत्तर सिंह जी नूं भी किस तरह करनी चाहिए जिहड़ी पहुंच जावे। संत अत्तर सिंह जी कहिंदे जिद्दन अरदास करनी ना आवे, विरलाप विच ही बात निकली जावे, उस दिन पहुंच जांदी है। कह दिओ गज के सतनाम। कहिंदे मेरे वेखदिआं वेखदिआं घोड़ा बेकाबू हो गया, सीधा मेरे को आके ये किताब लिया के पढ़ सकदे हो, नाम सिमरन दी महिमा भजन सिंह सोढ़ी, उस हाजी मुसलमान वीर की वार्ता। कहिंदे घोड़ा बेकाबू हो गया, बेकाबू होके मेरे को आया, तो घोड़े ने ना दोवें पौड़ उत्ते चुके,
चुक के ना इंज पौड़ थले कीते ते मेरे पट्टा ते लाए, दोवे पौड़ मेरे पट्टा ते रखे, ते रखण दी देर सी ते कहंदे मेरे लत्तां दी खून दी हरकत चल पई। वो लत्तां दी जिहड़ी हरकत सी ना ब्लड दी वो चल पई। कहंदे घोड़े ने फिर पौड़ चुके, दोवे पौड़ मेरी छाती ते रखे, रखण दी देर सी ते कहंदे इधरों बाहवां दी हरकत मैनू महसूस हो गया, कुछ वरत गया भी हिल जुल हो गई, जिहड़ी बाह इंज भी नहीं हुंदी सी ते होण लग पई, हरकत चल पई। कहंदे इहदे विच पौणा मिंट, सिर्फ एक मिंट भी नहीं, पौणा मिंट बीतिया होगा, इन्ने नूं पंजे छे जिहड़े घोड़े दे आसे पासे हुंदे ना सेवादार आ गए, उन्हां घोड़े नूं काबू कीता लै गए। कहंदे उन्हां सेवादारां नूं नहीं पता भी गुरु ने की कला वरताती, आखो सतना उन्होंने इन्ना ही वेख्या भी घोड़ा बेकाबू हो गया जी, इधर आ गया असं उन्होंने काबू करके लै चले हाँ। कहते हूँ कला मैं जानदा की वरत गया, आखो सतना की बोड़ गया। ये अजय गल न सिर्फ दो मिनट की गल रही जी, दो मिनट की, पर मेरा दिल करता एक बारी कहो प्यार नाल अनेक है फिर एक है, अनेक है फिर एक है, अनेक है फिर एक है। बोलो भैनो अनेक, हा अनेक है। देखो कोई दास नूं होर लालच नहीं, इको इको लालच। अज हैदराबाद वाले पौड़ी चढ़ के जाना केड़ी, जदों गुरु गोबिंद सिंह शरीर च आए सी उदों ही नहीं वरतदे सी, अज भी जिहदे राही मर्जी वरत जाने उहनां दी लीला उह जाणे, अज भी वरतदे। सुणियो जी बस समाप्ति है। वह हाजी कहिंदा भी मैं हौली हौली पासा पलटिया माड़ा जा, पांच मिनट बाद पलटिया गया, मोटा चक्या सारी हरकत चल पई, वो चाहे की नहीं कर सकता। कहते कोल दरखत सी, आहिस्ता आहिस्ता मैं बैठन की कोशिश की थी, बह गया अद्धे घंटे, अद्धे पौने घंटे बाद खलोण की कोशिश की थी, खलो गया, थोड़ी चलण की कोशिश की थी, चल पिया। वो हाजी कहिंदा मैं अंदर हजूर साहब हौली हौली चल के मत्था टेक के आया, आखो सतनाम। मत्था टेकण तो बाद हौली हौली मैं बस फड़ी,
रीवा जिला वापस आया। कहिंदे हर बंदा हैरान एक ही वरत गया, कहिंदे मेरी वोटी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। आ सुनने वाली गल जे बस कीर ली, वो हाजी मुसलमान वीर सुना रहा हरभजन सिंह सोढ़ी जी नूं, कहिंदे फिर मैं एक बस पाई, सिर्फ एक बस, तो सब कुछ खत्म हो गया। कहिंदे एक बस पाई ते कलगीधर ने इहो जी बरकत पाई, हौली हौली दो पांच दस, ते कहिंदे अज मेरी सौ बस रीवा जिले च, आखो सतनाम। हरभजन सिंह सोढ़ी पता की कहिंदे, कहिंदे जी मेरी गल का जवाब नहीं मिलिया, मैं आ पुछना चाहना सा भी हर बस में घोड़े वाला स्वरूप क्यों लाया तुसी आसन गुरु गोबिंद सिंह जी वाला घोड़े वाला स्वरूप, घोड़े ते बैठे आ हैदराबाद वाले प्यार ना सुनियो। वो हाजी पता की कहिंदा, कहिंदा कृपा गुरु गोबिंद सिंह दी वरती है, जो मेरे ना होया ना लाइफ च, कृपा गुरु गोबिंद सिंह दी वरती है, पर कहिंदे वरती घोड़े दे राही है ते विचोले नूं भी नहीं भुलना चाहिए। कह दे गज के साथ ना, वह कहिंदे विचोले नूं भी नहीं भुलना चाहिए। उहदी लीला नोट करो, कई बार तुसीं कोई प्रॉब्लम आती ना तुसीं जपजी साहब शुरू कर दो, कोई पता नहीं उन्हें जपजी साहब राही वरतना, कोई पता नहीं उन्हें सुमनी साहब राही वरतना, कोई पता नहीं उन्हें किसे पंज प्यारे राही वरतना, कोई पता नहीं किस गुरसिख राही वरतना, वो जाने। जिनी संगत बैठी जे अज इतो भावना लैके जानी केड़ी, गुरु गोबिंद सिंह उदों नहीं सी वरतदे अज भी वरत रहे, आखो सतनाम। वो कहिंदा फिर मेरे मेरा विचोला घोड़ा वरते उहदे राही ने, मेरी झोली उहना राही भरी है, वह कला कर गए उहदे राही, मौज आ गए, पौड़ चके रखे तो सारा कारज सीधा करता, वह की नहीं कर सकते। ते कहिंदे फिर मैं घोड़े वाला स्वरूप तां लाया हर बस च सौ दी सोच, के मैं किरत घणना बन जा गुरु गोबिंद सिंह जी, कृपा तेरी हुई है कोई घोड़े राही है, हर बस विच ओ दोवां दे दर्शन होण, आखो सतनाम। ते जिन्ने माई भाई बैठे हो, सिर्फ एक मिनट की गल बस, अज दे प्रसंग चो की लैके जाना, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा। जिन्नियां संगतां बैठियां जे तीन गल्लां करके असीं थड़कदे आ, बस अद्धे मिनट की गल है, वो मैं तिने गल्लां बोल देना उन्हूं डिटेल च नहीं कर सकांगा। तीन गल्लां करके ना साडे थड़कण दा डर हुंदा, आखो सतनाम। डर वस, लालच वस, ते फैशन बस। बड़े ध्यान ना सुनियो, को गुस्सा ना करे। कई बारी तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड़ के किते होर जांदे हो डर बस, आखो सतनाम। आ ना कीता ते फलाना नाराज ना हो जाए, आ ना कीता फलाना नाराज ना हो जाए, डर हुंदा है। मैं स्टेज तो कहना अज कढ़ दिओ, तुसी किसे दी निंदिया नहीं करदे, किसे नूं माड़ा नहीं कहिंदे ना। यह मैं किवें तुहानूं खोल के दसा, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हो ना ते सारयां दी हाजरी आपे लग जांदी है, सारे ही इन्हां दे चरणां विच ही बैठे हुए, सारे ही आखो सतनाम।